आज लुधियाना में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी की प्रेस वार्ता की गई, जिसमें वरिंदर कुंद्रा, अंकुश जैन और उनके साथियों ने राष्ट्रीय महासचिव सिद्धार्थ एम साखरे, राष्ट्रीय सचिव सुरेश जे ठाकुर और राष्ट्रीय प्रवक्ता भागवत जी लाडगे का स्वागत किया गया। मैं भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी की ओर से मैं राष्ट्रीय सचिव सुरेश ठाकुर। आज जो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी का ये जो पहला कार्यक्रम हमारे पंजाब के लुधियाना जिले में लिया जा रहा है, यहाँ लुधियाना में और पंजाब में पंजाब की जनता को मानवाधिकार के बारे में, मानवाधिकार का जो आज पंजाब की जनता के साथ जो हनन किया जाता है हमेशा, मानवाधिकार क्या है जो आम नागरिकों को पता नहीं है, जो अपने ही अधिकारों से वंचित है उनको अपने अधिकारों की प्राप्ति दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी की एक स्थापना की गई। इस पार्टी का मेन उद्देश्य है कि अपने भारत देश में जो आज आम नागरिक जो पीड़ित है, जो अपने ही समस्याओं से जूझ रहा है, उसको उसकी अधिकार की प्राप्ति किस तरीके से होनी चाहिए और किस तरीके से उसको अपने अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए आज पंजाब में हमारे भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार कुंद्रा जी, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। उसी प्रकार अंकुश जैन, इन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। और पार्टी के जो धैर्य और जो उद्देश्य है उनको लेके मैं इसी विनंती करना चाहता हूँ कि पार्टी के उद्देश्यों को लेके चल के यहाँ के सामान्य नागरिकों को उनके मानवाधिकार के प्रति जन जागृति कार्यक्रम लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं को भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी के बैनर के अंतर्गत उसको सुझाव लाए। अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या अगर डिपार्टमेंटली होती है तो जल्द से जल्द वो वरिष्ठियों से कॉन्टैक्ट करे। और मैं आपको मेन उद्देश्य बता देना चाहता हूँ कि आज कल हमने बड़ी बड़ी पार्टियाँ देखी, पर कहीं ना कहीं ये हमेशा सामने आ जाता है कि बड़ी पार्टियाँ अपने स्वार्थ के लिए आम नागरिकों का शोषण कर रही है। आज भी अपने भारत देश का आम नागरिक अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, उसको उसकी अधिकार प्राप्ति के लिए इस मानवाधिकार पार्टी की जो स्थापना की है, इस पार्टी के उद्देश्यों को लेके आगे चल के ये मानवाधिकार पार्टी यहाँ पे इलेक्शन में भी उतरेगी, क्योंकि जब तक हम लोगों के बीच में नहीं आएंगे, लोगों की समस्याओं को करीबों से जानेंगे नहीं, तो उनकी समस्याओं का निवारण निकालना ये असंभव है। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मुझे हमेशा क्वालिटी में विश्वास है, क्वांटिटी में नहीं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके से प्रेरित करना चाहता हूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अपनी इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी जो काम कर रही है, उसी प्रकार अपने पंजाब में न्याय, हक और महिलाओं का जो शोषण किया जाता है इसके प्रति जन जागृति करें, और जल्द से जल्द इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी की ओर से एक ऐसी मुहिम चलाई जाएगी कि जिस तरीके से पंजाब की जनता को न्याय मिल सके। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी का प्रवक्ता के नाते आप सबका यह स्वागत करता हूं, और हमारे जो पार्टी स्थापित की गई 2017 में, आज 4 साल हो चुके हैं पार्टी को। 4 साल में पार्टी ने महाराष्ट्र प्रदेश, दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश और भी पंजाब में भी हम लोग आ गए हैं। पंजाब में बहुत सारी समस्या है, कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत कुछ आप लोगों को झुला दिया है, और पार्टी जनता की सेवा में फेल हो चुकी है। कांग्रेस बोलो, बीजेपी बोलो, सभी पार्टियों ने धोखा दिया है। ऐसे वक्त भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी जो आज जैन साहब और कुंद्रा साहब के नेतृत्व में आ गई है, वो पार्टी आपको और गरीब जनता को न्याय देंगी, ये हमारा पूरा विश्वास है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? हाँ सर, पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि पार्टी दलित शोषित समाज, महिला उत्थान और गरीबों को घर, गरीबों को अनाज, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब देंगी और पूरा फ्री में देंगी। जब पार्टी यदि अब सत्ता में आती है तो पंजाब की जनता हमेशा के लिए उसको न्याय देंगी। पंजाब की जनता ये बोलेंगी कि वाह क्या पार्टी है, अभी तक 70 साल हो चुके हैं स्वतंत्रता के लिए, अभी तक किसी ने इतना अच्छा नहीं काम किया जो पार्टी हमारी करेगी। मुझे तो पूरा विश्वास है क्योंकि हम अभी महाराष्ट्र में पूरा पैकअप कर चुके हैं, और इसीलिए
ये पार्टी का अभी नई नई पार्टी है, अभी 4-5 साल ही हो चुके हैं, लेकिन पार्टी ने इतना अच्छा जिधर का काम किया है उससे हमें इतना रिस्पांस मिल गया है कि पार्टी का आधार जो बेस है। क्या बड़ा काम क्या किया है? बड़ा काम पार्टी ने जो भ्रष्टाचार है महाराष्ट्र का वो निकाल के उनको जेल में डाल दिया है। करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार था, उसको जेल में डाल दिया है और गरीब लोगों को न्याय मिला है। जिन्होंने फंडिंग किया है, फंडिंग के बारे में तो पूछे नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्थापन की है और लोगों गरीब लोगों से पैसा इकट्ठा किया है, वो पैसा पूरा गबन कर लिया है, 25-25 करोड़ रुपया। वो हमारी पार्टी ने पूरा लगन से आंदोलन किया, धरने दिए, गरीबों को सरकार के सामने पेश किया, जिलाधिकारी के सामने धरना दिए, ये सारी बातें करने के बाद उनको न्याय दिलाया गया। तो ये पार्टी का काम है, पार्टी एकजुट है और पार्टी लगन से काम करती है। आंकड़े की बात करें, कितने पार्टी के साथ आप जुड़ चुके हैं अभी तक? अभी तक तो हमारे पास 25,000 लोग जुड़ चुके हैं। तो वो कैसे, मतलब काम कैसे कर रहे हैं? काम कैसे, जो हमारे सिद्धार्थ साखरे साहब है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ, थोड़ा क्षमा बाचना चाहता हूँ। एक्चुअली कैसा है कि देखो, जब पार्टी की स्थापना की गई तो पार्टी का मेन उद्देश्य था कि जो सामान्य नागरिकों का, जो मानव अधिकार का जो हनन किया जाता है, आज बड़े बड़े पक्षों को लेके हमने देखा, उनको समर्थन भी दिया, कई बार हमने उनको सत्ता में भी लाया, पर आखिर में हमें उससे प्राप्ति क्या हुई? कुछ भी नहीं मिला। तो इसीलिए जब एक मानवाधिकार संगठन हमें चलाते चलाते कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि नहीं, अगर हमें अगर लोगों के लिए कुछ करना है तो लोगों के बीच में आना पड़ेगा, खुद सत्ता में बैठना पड़ेगा। इस धैर्य और उद्देश्य को लेकर मानवाधिकार पार्टी की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी के कुछ नीति नियम बन चुके हैं, हमारे पास में कुछ प्रोजेक्ट्स है कि हर तीन जिलों में मिलकर एक हम कंपनी उभारना चाहते हैं। आने वाले समय में हर तीन जिलों में एक कंपनी बनेंगे जिसमें से 10-10 हज़ार एक जिले के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि स्वास्थ्य सेवा, देश में आज दवाइयों का इतना बड़ा व्यापारीकरण हो चुका है कि आदमी के जान के साथ में भी अगर वो मर भी गया तो भी जिंदा बताते हैं हॉस्पिटल वाले, और उसको कैसे कि उसके परिवार से बिल फाड़ा जाता है बड़े से बड़ा। तो दवाइयाँ यदि अगर पूरे देश में निःशुल्क होती है सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो ये सारा दवाइयों का बिक्रीकरण बंद हो जाएगा। तीसरा यानी नैसर्गिक संपत्ति में आता है पानी। पानी यह कैसा है कि यह एक नैसर्गिक संपत्ति है और हर व्यक्ति को निःशुल्क ही पानी मिलना चाहिए। यदि भविष्य में हमारी सरकार बनती है भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी की, चाहे कोई राज्य में हो या पूरे देश में, तो हम लोग पानी की जो व्यवस्था है इस पर टैक्स यानी माफ़ कर देंगे हम पूरा टोटली, क्योंकि ये तो पूरा निःशुल्क ही आता है ना, समंदर से, आसमान से, सारी जगह से, तो ये निःशुल्क ही मिलना चाहिए। उसी प्रकार से शिक्षा भी, नर्सरी से लेके PhD तक, MBBS तक, इंजीनियरिंग तक, शिक्षा भी निःशुल्क होना चाहिए ताकि पूरे दुनिया में एक ऐसा वातावरण बने कि नहीं, इंडिया सही में लोगों को कुछ तो भी देना चाहता है भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी के माध्यम से, और दिया जा रहा है। बस लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा करके एक बार हमें सत्ता में बैठने का मौका देना चाहिए, तो ही यह सारी बातें हो सकती है। पार्टी की तरफ से वीरेंद्र कुंद्रा जी को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष, अंकुल जैन को पंजाब प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पंकज छावड़ा को पंजाब प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर सचिन गुप्ता, रितेश कोडा, संदीप कुमार, हनी गलोत्रा, अरविंदर सिंह, रमित विक्रम आदि मौजूद रहे। श्री वीरेंद्र कुंद्रा जी ने आश्वस्त किया कि वह पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाएंगे। जय श्री राम। मैं भारतीय राष्ट्रीय मानवता पार्टी, उनका पहले तह दिल से पंजाब के अंदर वेलकम करता हूं, श्री पवन भागवत जी का, श्री सिद्धार्थ जी का और भागवत जी का, इनका यहां पे आने पर बहुत बहुत वेलकम है। और जो इन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी है भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार पार्टी के अध्यक्ष बना करके, हम उसको पूरा करेंगे। और जो भी मध्यवर्गीय परिवारों के लिए जो पार्टी सोचती है उनके लिए पूरा काम किया जाएगा। शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और जो करप्शन है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि क्या ज़रूरतें हैं, जैसे लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए जो भी दिक्कतें आ रही है उसके लिए प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाएगा। ये पूरे उद्देश्य लेके हम आगे बढ़ेंगे, मेरी टीम आगे बढ़ेगी, और इसी उद्देश्य के साथ हम इसका श्री गणेश कर रहे हैं आज से
4 तारीख से, और बाकी सब लोगों से भी एक अपील है कि बढ़ चढ़ कर इस पार्टी के साथ जुड़ें, अपना सहयोग दें ताकि जन जन तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद। पंजाब में कौन कौन से जिलों में ये जो आप इसका गठित करेंगे, कौन कौन से खास? ये पंजाब में तकरीबन हर जिले के अंदर होगा, जहाँ पे अभी हमने ऑलरेडी जलंधर के अंदर भी इसका प्रधान नियुक्त कर दिया है, अमृतसर में भी कर दिया है, और आने वाले टाइम में हर प्रदेश के अंदर इसका नियुक्ति प्रधान नियुक्ति की जाएगी, ताकि हर जिले में भारतीय राष्ट्रीय मानव पार्टी पहुँच सके और जन जन को इसका लाभ मिल सके। क्या मकसद क्या है एक आम आदमी को लेकर? मकसद जो मध्यवर्गीय लोगों के न्याय को दबा दिया जाता है, उनको न्याय देने के लिए ये पार्टी अग्रसर रहेगी। क्या पंजाब में या ऐसे कई बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे मानव अधिकार नहीं मालूम लोगों को, क्या हाँ उसके जागरूक करने के लिए ही हम लोग इसका बीड़ा उठा रहे हैं, ताकि हर बंदे को अपना जो भी उसका राइट है, जो भी उसका अधिकार है, उसको पता होना चाहिए, क्योंकि जब लोगों को इनके बारे में पता नहीं है तो इन लोगों से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जैसे कोर्ट कचहरी में बहुत मुश्किलें आती हैं उनको, क्योंकि वो अपना जो हक है वो नहीं ले पाते, क्या उन लोगों के साथ आप खड़े होंगे? जी बिल्कुल, उन लोगों के साथ खड़े होंगे, जो भी हमारे पास आएगा उसका पूरा बात सुनकर करे, उसका पूरा सपोर्ट किया जाएगा, पूरी टीम की तरफ से उसका पूरी तरह उसके साथ रहेंगे हम लोग। सावधान पंजाब न्यूज़ चैनल से दीपक बहुत की रिपोर्ट।